हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे जिनका कल टेक्स का एग्जाम है, बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें हैं जो कि हर बार बच्चों को पेपर में फेस करनी पड़ती है। एक दिन पहले वो सारे माइंडसेट की मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, जैसे कि कल का पेपर कैसा होगा, मुश्किल होगा, इजी होगा, एवरेज होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। उसके बाद कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, कुछ बच्चों के चैप्टर्स छूट जाते हैं, जैसे कि चाहे वो इनकम टैक्स की बात या तो वो इनकम टैक्स की बातें कर ले या फिर वो बातें कर ले जीएसटी की, ठीक है। तो उनमें अगर रह गए हैं तो एक रात पहले आपको क्या करना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप प्रेशर फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, तो ये कैसा रहता है टेक्स से एक दिन पहले और कैसे इससे दूर कर सकते हैं आप, वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ बच्चे परेशान हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेके, चाहे वो जीएसटी का हो और इनकम टैक्स का हो, तो उन सभी बातों के बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छी चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि आज हमारे 9000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, जैसा कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे दिन आपके लिए ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स, जीएसटी के भी ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स डाल दिए गए हैं। जो आपके इनकम टैक्स वाले थे वो मैं सभी तो खुद रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ऑब्वियस रीज़न आपको दिख रहा होगा, थोड़ी तबीयत खराब है, और कोई भी रीज़न होता तबीयत खराब का, लेकिन गले में प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, और वो जितना ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ उतना ज़्यादा वो बढ़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने कुछ चैप्टर्स को अपनी जो पर्सनल क्लास रिकॉर्डिंग्स होती है, जो पेड होती है, उसमें से मैंने क्लिपिंग्स काट के आपके लिए स्टडी मैट के सॉल्यूशन रिवीजन लेके आया था, कुछ मैंने खुद किए थे, ठीक है। तो इसी सीरीज में कि और कुछ बातें मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, तो जैसा 9000 की जो हमारी फैमिली अब हो गई है, उसके लिए मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा अभी, कि 9000 पूरा होने पे मेरी साइड से आपके कल के पेपर के लिए क्या है, तो वो मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। इंट्रो विंट्रो इसमें नहीं लगाऊँ, मैं सीधा टू द पॉइंट बात करने आया हूँ। देखिए, सबसे पहले चीज़ ये होती है कि सर कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, तो अगर कुछ चैप्टर्स रह गए हैं और आप एक दिन पहले बैठे हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं और आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले बैठे हैं, तो मेरी आपको सिंपल सलाह है कि सर उन्हें मत करिए। पहली चीज़, तो मैं भी आपको पेपर भी दिखाऊंगा कि पेपर कैसा आने वाला है आपका, और मुश्किल पेपर आता है तो क्या करते हैं और कैसे उसे टैकल किया जाता है, क्योंकि मेरी पर्सनल अजम्पशन है कि कल का पेपर जो है वो मुश्किल आने वाला है, कीपिंग इन माइंड कि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और हर एक अटेम्प्ट में एक ना एक पेपर मुश्किल आता है। लेकिन मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मुश्किल पेपर में आप किस तरीके से स्टिल एक अच्छा स्कोर मार्क स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो चैप्टर अगर आपके चाहे एक छूट गए हैं, चाहे दो छूट गए हैं, चाहे वो जीएसटी का है, चाहे वो इनकम टैक्स का है, चाहे उससे कंपल्सरी क्वेश्चन आता है या नहीं आता, जैसे जीएसटी के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई से कंपलसरी क्वेश्चन आता है, आईटीसी से कंपलसरी क्वेश्चन आता है, और रिवर्स चार्ज का उसमें थोड़ा बहुत एप्लीकेशन होता है कि अगर आपको रिवर्स चार्ज की पेमेंट करनी है तो क्या होता है। तो अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई और कंप्यूटेशन या फिर कंप्यूटेशन, इन तीनों में से कोई भी चैप्टर अगर आपका छूटा है, जो 9000 की, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपके हर एक तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मन मेरा था कि मैं आपको जीएसटी के 5-6 क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करा दूँ, इनकम टैक्स के 5-6 क्वेश्चन पकड़ के सॉल्व करा दूँ, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल भी पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इन चैप्टर्स का मिक्स होगा, और इनकेस अगर आपके ये चैप्टर्स छूट गए हैं तो हर वीडियो में मैं आपको शायद नंबर प्रोवाइड करता हूँ, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, बस मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये रहा नंबर, नंबर पे मैसेज करने का, व्हाट्सअप करने का, कई सारे बच्चे मैसेज का गलत मतलब निकाल लेते हैं, फ़ोन पे टेक्स्ट करते रहते हैं बच्चे, फ़ोन पे मैं लिंक पीडीएफ वगैरह कैसे भेजूंगा वीडियोज़ वगैरह के, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको अपना नाम, अपना स्टेट, अपना कोर्स, अपनी क्वेरी, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जीएसटी का अगर आपको चाहिए तो आप जीएसटी का मांग लीजिएगा। इनकम टैक्स में भी बताता हूँ आपको मेजरली कहाँ से आता है, तो भाई इनकम टैक्स का मेजरली आता है पीजीबीपी से। अब सीधी बात यह है, मैंने जो पीजीबीपी के क्वेश्चन आपको कराए हैं वो इनफ नहीं है, कुछ बच्चों ने बोला भी कि सर पीजीबीपी का सॉरी कुछ बच्चों ने बोला भी कि सर जो पीजीबीपी वाला पार्ट है उसमें कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए, तो आप बस मुझे लिख दीजिएगा कि सर पीजीबीपी के एक दो लेक्चर और दे दो अपनी पर्सनल क्लास वाले, जिसमें आपने क्वेश्चन करा रखे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं बातें कर रहा हूँ, उसमें आपका पीजीबीपी वाला जो हिस्सा है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आने वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इनकम टैक्स का आने वाला है ना, उसमें अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूट करिए टैक्स लाइबिलिटी, तो ये वो हर बच्चा जिसने 10 बार भी इस टैक्स लाइबिलिटी को, सर चार्ज को, सेस को पढ़ रखा होगा, वो भी आपको गारंटी नहीं दे पाएगा कि मेरी वो टैक्स लाइबिलिटी सही होगी या नहीं होगी। और कई सारे बच्चे इस प्रेशर में अपने बाकी के चैप्टर्स खराब कर लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पेपर सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, इसमें मैं कोशिश करूंगा। अगर सुबह तक वीडियो मेरा गला थोड़ा सा ठीक हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो जो इनकम टैक्स का है और जो जीएसटी का है, अगर उसे टैकल कैसे करना है,
कैसे उसके अंदर स्टेप मार्किंग ली जा सकती है विदाउट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए, कोई टैक्सेशन सिस्टम के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जीएसटी में आपको डाउट आ गया किसी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में, तो किस तरीके से वो वीडियो मतलब किस तरीके से आपको उसे टैकल करना चाहिए, वर्किंग नोट्स कैसे बने होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, तब आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी वगैरह की जो मैं आपके से बातें कर रहा हूँ वहीं पर मैं आपको बता दूंगा, नंबर पर मैसेज कर देना। मैं आपको पीजीपीपी लेक्चर्स जो एक फुल फ्लेज लेक्चर आएगा, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, इसमें बाकी सारे चैप्टर्स भी होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, इस पूरे क्या नाम है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने आपके इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आज कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए मिल गए होंगे आज और कल को मिला के। रेजिडेंशियल स्टेटस से हमने शुरुआत की थी, कैपिटल गेन पे फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, बच्चों ने बोला कोई बड़ा चैप्टर कराओ, फिर उसके बाद सैलरी आपको मिल गया होगा, हाउस प्रॉपर्टी आपको मिल गया होगा, और कौन कौन सा दे दिया मैंने, क्लबिंग दे दिया मैंने आपको, रिटर्न दे दिया मैंने आपको, डिडक्शंस दे दिया मैंने आपको, सेट ऑफ दे दिया मैंने आपको, है ना। तो काफ़ी सारे रिटर्न वगैरह जितने भी चैप्टर्स थे, तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स आपको मिल गए, एक दो रह गया होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऑलमोस्ट सभी चैप्टर मैंने आपको प्रोवाइड किए होंगे। फिर सवाल आता है, सर एक चैप्टर हमेशा आने वाला है TDS और TCS, तो बच्चे अगर आपके पास टाइम है तो TDS और TCS और PGEP ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, तो जिन भी बच्चों ने बाकी पूरी रिवीजन कर ली है, तो बच्चे आप क्या करिए, पीजीबीपी के मुझसे एक या दो लेक्चर दे दूंगा मैं आपको, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, और आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको कि पेपर अगर पीजीबीपी डोमिनेटेड आया तो आप उसे 110% सॉल्व कर देंगे। फिर दूसरा आता है सर TDS TCS में कुछ बता दो, तो TDS TCS के भी मैं आपको क्लास के लेक्चर्स दे दूंगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अगर आपने अपना पूरा सिलेबस क्या नाम है कर लिया है, पहले आपने पीजीबीपी और TDS TCS पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाएंगे, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पर्सनली आपके नंबर पर भेज दूंगा, इसी तरीके से फॉर्मेट में भेज देगा। बस एक रिक्वायरमेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि स्क्रीनशॉट साथ में भेज दिया करिए कि आप हमारे चैनल के मेंबर हैं, मतलब आपने सब्सक्राइब किया हुआ, वीडियो को लाइक किया और इसी वीडियो पे कमेंट किया हुआ, ऐसी छोटी सी रिक्वायरमेंट मैं आपसे करता हूं, ठीक है। तो पहला सवाल यह होगा कि कैसा होगा पेपर, तो सर सिंपल टफ होगा। दूसरा, कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया है, प्रेशर और एंग्जाइटी इसीलिए हो रही थी क्योंकि कुछ चैप्टर्स रह गए थे, वो भी अभी सॉल्व कराता हूँ कैसे होगी, और मैंने मेरे पास सारे आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको व्हाट्सअप करके मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे डील करें, समझ में आता है। अब पेपर की साइकोलॉजी क्या होती है, तो मेरे पास ये मॉक टेस्ट पेपर है, मैं इसके थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि कल का पेपर जो आने वाला है उसे आप कैसे डील करेंगे। पहले एक बार ये बताता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो आप वीडियो बोलोगे तो मैं डाल दूंगा, तो उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। मुझे बहुत आराम से इसलिए बोलना पड़ रहा है तो क्योंकि मैं थोड़ा सा भी तेज़ बोलता हूँ तो बड़ी परेशानी हो जाती है बोलने में। मैंने कहा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना आपका मल्टीपल चॉइस वाला, तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से डरिएगा मत आप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार रिक्वायरमेंट और उसके ऑप्शन को पढ़ना, हो सकता है आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही ना करना पड़े। ये ट्रिक है एमसीक्यू सॉल्व करने की, कई क्वेश्चंस में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा केस सिनेरियो, और कई केस सिनेरियो होते हुए भी आप जब उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आप उसको सॉल्व कर दें। तो मैं एमसीक्यू के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी मैं आता हूँ डिस्क्रिप्टिव पेपर में। मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव पेपर एक व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसने प्लांट और मशीनरी लगाई है, एडवांस टैक्स पे किया है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको क्या देखो क्या निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम। अब सारे बच्चों को पता है टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप पीजीबी के मुझसे लेक्चर लीजिएगा प्रैक्टिस वाले, आप कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। और दूसरा सवाल आता है टैक्स लायबिलिटी का, अगर मैं बोलूँ ना ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सब बच्चों को लगता है कि अगर आप टैक्स लायबिलिटी गलत निकाल के आ गए तो आपके कम से कम 8-9 नंबर उड़ जाएंगे। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा मान के चलिए, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, 10+5 का ही क्वेश्चन है और 10 नंबर 110% आप सही करके आओगे, ऐसा मान के चलिएगा। तो टोटल इनकम पे पूरा फोकस कर दीजिए, उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालना, फिर सरचार्ज निकालना और बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आपको नहीं आती तो झगड़े में मत पड़िएगा, सिर्फ 5 नंबर हैं आपके, पहली चीज़। तो उसके बाद स्कोप के लिए, और मैंने आपको बता रखा है क्या नाम है, अगर आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम जैसे 40%, 50%, 60% ग्रो ऑन क्रॉड अगर आपको पता है, तो ये कुछ सिंपल सिंपल हिस्से होते हैं आपके सिलेबस के, जिसमें बच्चे ध्यान न देके सर हमारा पीजीबीपी रह गया, सर हमारा पहला वाला क्वेश्चन बता दो, तो बहुत सारे बच्चे इस पर इतना पैनिक हो जाते हैं जिसमें वो चीज भूल जाते हैं कि अगर मैं 15 नंबर को साइड कर दूं तो देखिए ये 6 नंबर आपको 5 मिनट के रिवीजन में मिल सकते हैं। अब उन सबको छोड़ के, और मैं गारंटी देता हूं ये सेल वाला जो बच्चा का है, ये बच्चों ने पढ़ाई नहीं होगा अभी तक, लेकिन सिर्फ टेंशन ले रहे हैं किस चीज की। अब ये देखिए, ये 15 मार्क्स सिक्योर करने के लिए
आप मतलब अपने 5 घंटे लगाने के लिए तैयार हैं, 10 वीडियो सर्च कर चुके होंगे, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है 40-60% वाला, 35-65% वाला, ये आप देख के ही जाएंगे, जो कि 5 मिनट रिवीजन में लगेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो TDS, TCS और PGUP, ये भी मैं आपको तब बोल रहा हूँ कि अगर आपने बाकी का पूरा सिलेबस कर लिया है, आपके पास कुछ नहीं बचा, यही बचा है, तो आप मुझसे मांगिए। अदरवाइज बच्चे बाकी के सिलेबस पर फोकस करिए, बड़े आराम से पास हो जाएंगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब जैसे इनकम टैक्स के प्रोविजन है, देखिए टर्मिनेशन पे क्या होगा, और सैलरी रिसीव हुई है, सैलरी का क्वेश्चन मान लीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम इसने पूछी है यहाँ पर, ठीक है, और मिस्टर राम एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसको सैलरी का क्वेश्चन है। अब सैलरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं बैठे मैंने, सब डाले हुए, अब सैलरी क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर लो। अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रोविजन देखने हैं, उन सबको छोड़ के अगर आप एक ऐसे क्वेश्चन के पीछे भाग जाओगे जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2 हिस्से में है, टोटल इनकम निकाला आप पक्का पाओगे अगर आप मैसेज कर देते हैं और लेक्चर को देख के चले जाते हैं, बस उसी से कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल गेन वगैरह का, मैंने कैपिटल गेन के भी क्वेश्चन आपके डाले हुए हैं, उसको सॉल्व करके जो सुपर 40 वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं, सब डाला हुआ है आपके, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, और लास्ट में देखो रिटर्न के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करिएगा। PGVP डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा क्या है, और जो हम पेमेंट करते हैं 35AD में, तो पहले तो परेशानी आया करती थी, किसी में 125%, किसी में 130%, किसी में 100%, किसी में 200%, अब तो 100% ही है, बस लैंड वगैरह पे नहीं मिलता, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता हूँ मैं जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले पार्ट पे, इसमें भी जो बच्चे परेशान रहते हैं वो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे चला जाता हूँ एक बार, कि इसमें सर ये बार बार गलत आ जाता है हमारा, ITC बहुत प्रैक्टिस कर ली, नई एडजस्टमेंट आ जाती है, गलत आ जाता है। मैंने कहा कितने मार्क्स का ये बताना जरा, तुम 10 मार्क्स का है, क्या तुम वर्किंग नोट वगैरह इतने भी बना के नहीं आओगे कि हमारे पास जो हमारे आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी है, उसका वर्किंग नोट बनाइए। दूसरा, आपके पास ITC ओपनिंग में कितना है, ड्यूरिंग द ईयर जो आप बाय करके लाए हो उससे आपका ओपनिंग ITC, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो टोटल ITC अवेलेबल है आपके पास उसका वर्किंग नोट बनाइए, तब एडजस्टमेंट कीजिए, तो क्यों नहीं मिलेगा वर्किंग नोट के मार्क्स, तो आप खुद सोचिए। हालांकि ये इंस्टीट्यूट भी जानता है ना कि पहले क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस डालने हैं, कुछ ट्रिकी पॉइंट्स डालने हैं, ताकि आप गलत प्राय, तभी तो उसे कंपलसरी क्वेश्चन में डाल रहे हो। तो आप सिर्फ इसी क्वेश्चन की टेंशन लिए मत बैठिएगा। कई सारे बच्चों को मैं जानता हूं इजी प्रोविजन रिवाइज करके नहीं जाते हैं, और वो खामियाजा भुगतते हैं पेपर में, कि जो नहीं आता था वो तो नहीं आता था, और जो आता था उसमें से गलती हो गई है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप मेरी ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन को आगे चलोगे ना, साइकोलॉजी ये रहेगी पेपर की, आपको फर्स्ट क्वेश्चन उससे अगला क्वेश्चन डरावना वाला लगेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां से क्वेश्चन शुरू करिए। देखिए, वट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन पूछा है, सिंपल है ना, और सर्विस इज प्रोवाइड बाई एंटिटी जो 12AB में रजिस्टर्ड है, एग्जेम्पशन से पूछा है, और चैरिटेबल एक्टिविटी, मतलब सिंपलिसिटी देखिए आप क्वेश्चन की। तो जब आप इनकम टैक्स का और GST का दोनों का क्वेश्चन पेपर जब आप उठाएंगे, तो उसमें से जो निचला वाला हिस्सा है आप वहां से सॉल्व करेंगे, तो आपका जो माइंडसेट है पेपर को लेके वो पॉजिटिव रहेगा। और जो आप ऊपर वाले हिस्से से उठा लेंगे, जहां मुश्किल मुश्किल चीजें साइकोलॉजिकली उन्होंने भरी हुई है, तो भाई आप परेशानी में आ जाएंगे। तो मेरी आपको सजेशन है, चाहे GST है, इनकम टैक्स है, आप जो क्वेश्चन के निचले वाला हिस्सा है, मतलब लास्ट क्वेश्चन से आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो कॉन्फिडेंस भी जनरेट करेंगे, और जो आती हुई चीजें सिंपल चीजें पहले वो कर लोगे, तो मुश्किल होने वाली चीजों की वजह से वो गलत नहीं होंगी। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा, ठीक है। और बाकी GST प्रैक्टिशनर, देखो थ्योरी क्वेश्चन है, और मैं आपको गारंटी देता हूं जो बच्चे कंपलसरी क्वेश्चन की टेंशन ले रहे हैं, वो उन्होंने हाथ भी लगाया हुआ इन टॉपिक्स को, और देखो सीधा सिंपल पेपर है। फिर बच्चे बोलेंगे कि पेपर बड़ा खतरनाक था, भाई पेपर खतरनाक में 2 क्वेश्चन खतरनाक आ जाने से पेपर खतरनाक नहीं हो जाता। आपको यह देखना है कि जो सिंपल प्रोविजन है, कि आपने रिवाइज किया, अपने आपसे पूछा जब मैं वीडियो बना रहा हूं कि क्या आपने GST प्रैक्टिशनर पढ़ा है, उसके बारे में सारी चीजें पढ़ी है, पता नहीं कब पढ़ रखा है, याद है कि हाँ इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना चाहिए कोई ना कोई, और क्या नाम है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बस इतना पता है। प्रिसाइज राइटिंग कहां रिवाइज की आपने, ये परेशानी आती है। उसके बाद 12AB वाली एंटिटी में चैरिटेबल एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या ये आपने रिवाइज किया, जी नहीं सर ऊपर से पढ़ लिया। तो भाई आप जो पेपर खराब करने वाले हो वो कंपलसरी क्वेश्चन ना होने की वजह से नहीं करने वाले हो, आप जो पेपर खराब देकर आने वाले हो अगर आप इसी माइंडसेट से रहेंगे, वो ये होगा कि सर सिंपल चीजें पढ़ी थी, जैसे ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कौन कौन सी कमोडिटी है जो आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ GST पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, आपने पढ़ा होगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन थे, शायद ध्यान दे देते तो पेपर अच्छा चला जाता। अगर पेपर पूरे 100 नंबर का है, 30 मार्क्स के मैं MCQ हटा दो, 70 मार्क्स 35 मार्क्स फॉर इनकम टैक्स एंड 35 मार्क्स फॉर किसके GST के लिए, तो भाई आप ऐसा मान के चलिए कि 35 में से 15 नंबर का जो पेपर है वो मुश्किल होने वाला है। तो मैंने 35 में से 15 हटा दिए, मैं आपको लिख के बता देता हूं, बच्चे अपने माइंडसेट में अगर कुछ पॉजिटिविटी लगे कि हाँ सर सही कह रहे हो तो मुझे बताना, देखना। मैंने कहा मैं 35 की बातें करता हूं, MCQ मैंने हटा दिया, 70 मार्क्स का पेपर है। इनकम टैक्स में भी जो 15 नंबर है मान के चलिएगा कि वो आपको मुश्किल लग रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, हालांकि उसमें भी स्टेप मार्किंग होगी, 20 नंबर आपको आ रहे हैं,
ठीक है, ऐसा ही इनकम टैक्स में है और ऐसा ही जीएसटी में। हालांकि जीएसटी में तो ज्यादा चीजें मुश्किल लगेंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेके मैंने बोल दिया इसके भी आप 15 नंबर को गड़बड़ कर दोगे और इसके 20 नंबर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप फोकस किस पर करिए भाई, सिंपल सिंपल प्रोविजंस पर फोकस करिए, सिंपल सिंपल चैप्टर्स पर फोकस करिए। और अगर आपको लग रहा है आपको कंपलसरी क्वेश्चन की टेंशन लेने की जरूरत है तो सेट ऑफ के क्वेश्चन कर दीजिए आप मॉक टेस्ट पेपर या किसी भी पास्ट ईयर पेपर का निकाल के कि आप एक बार में आंसर निकाल पा रहे हैं, आंसर इज नो। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो रिमेनिंग प्रोविजन है उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा जो मुश्किल पेपर है ये वाला पार्ट तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है कहीं इसमें ना चूक जाए। और जितनी भी मैंने आंसर शीट जितनी भी इवेल्युएट की है आज तक बच्चों के डाउनफॉल की, वो रीज़न यही होता है कि वो यहाँ मात खा जाते हैं। जब आप इस 20-20 नंबर में से 40 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, प्रिसाइस तरीके से करेंगे, वहाँ आपको मार्क्स मिलेंगे। ये जो मुश्किल पेपर आया है इसमें फाइनल आंसर में आपको गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप जो बाकी वाला हिस्सा है क्या नाम है उसे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स वाले में फिर जो एमसीक्यू बचे आपके 30 नंबर के, सर जो एमसीक्यू बचे 30 नंबर के, मरे से मरे कुछ भी नहीं आए तो 10 से 12 तो आप मान के चलिएगा हो ही जाएंगे। मतलब ऐसे थोड़े ना कि सारे एमसीक्यू मुश्किल कर देंगे वो, बाकी आप सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से जो पेपर को लेकर साइकोलॉजी होती है हमारी, सर क्वेश्चन नंबर बस फर्स्ट रह गया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीएसटी में भी और इनकम टैक्स में भी जैसे सॉल्व करना है आपको पार्ट्स में सॉल्व करना है। स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मॉर्निंग में इसके ऊपर, अगर मुझे ऐसी आवाज में आप बता देना ठीक अगर लग रही है आ रही है आपको, तो मैं वीडियो इसके ऊपर पक्का पक्का बना दूंगा। आई होप ये जो वीडियो मैंने आपको बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी थोड़ा सा माइंडसेट आपका चेंज करने के लिए। और दूसरी चीज, फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर, तो मैं आपको चाहे आपको TDS TCS में प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व करा दूंगा, GST में अगर आपको कोई परेशानी है वो आपको सॉल्व करा दूंगा, और PGP में अगर आपको कोई परेशानी है वो आपको 110% सॉल्व करा दूंगा अगर आपके पास टाइम है और आपने बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देख ली है। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए कि रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जो रह गया है जो हो गया है उसमें से कहीं गलत ना हो जाए इस चीज़ की आप टेंशन लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और आपको क्या जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई है आपके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भी बताइएगा। मिलता हूं आपसे कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वगैरह वाली बातें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे टैकल करना है, वर्किंग नोट स्टेप मार्किंग कैसे लेनी होती है। और अगर आप बोलोगे सर 3 आवर्स एग्जाम स्ट्रेटजी भी बता दीजिए कि कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन पहले करने और कौन से बाद में, दोनों ही चीजें चाहिएगी। तो थोड़ा सा प्रे कर लीजिएगा कि सुबह तक तबियत और ठीक हो जाए, थोड़े पूरे जोश के साथ बता सकूं जैसे मैं क्लास में बताता हूं, जो भी आपके लेक्चर्स देता हूं या वीडियो बनाता हूं आपके लिए। तो कल मैं आपके लिए कुछ चीजें लेके आऊंगा, अभी तक के लिए आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, पक्का पक्का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जितनी आपने पढ़ाई की है फोकस करिए कि उसमें से आप गलत ना कर पाए, पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।